हेलो दोस्तों, आज हम मूवी एक्सप्लेन करने वाले हैं फ्रोजन। तो ये कहानी है तीन लोगों की, जिसमें से दो बचपन के दोस्त होते हैं, डैन वॉकर और जॉनिल। और ये डैन वॉकर की गर्लफ्रेंड का नाम होता है पार्कर ओनील, और ये तीनों स्की करना चाहते हैं, इसलिए ये स्की रिसोर्ट पे आए हुए होते हैं। डैन वॉकर अपनी गर्लफ्रेंड पार्कर ओनील को बोलती है कि तुम स्की लिप अटेंडेंट के पास जाओ और उसे कहो कि मैं अपना क्रेडिट कार्ड पेट्रोल पंप पे भूल गया हूँ, और मेरे साथ मेरे दो गर्लफ्रेंड भी आए हुए थे जिन्हें मैंने इसकी कराने का वादा किया था। हालांकि पार्कर जाना नहीं चाहती, लेकिन वो जाके मना लेती है इसकी लिप अटेंडेंट, और वो इसकी लिप अटेंडेंट इनको तीन टिकट दे देते हैं, और ये अब इसकी से मतलब माउंटेन के ऊपर जा रहे होते हैं। और ये जब जा रहे होते हैं तो वहाँ पर उनका इसकी रुक जाता है, और दरअसल वहाँ पे जितनी भी इसकी होती हैं वो सारे के सारे रुक जाती हैं, और वहाँ पे लोग जो होते हैं वो शोर मचाना शुरू कर देते हैं। पार्कर को ऊंचाई से डर लग रहा होता है, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड कहता है कि डरो मत, और लिफ्ट फिर से शुरू हो जाता है, और ये तीनों के तीनों माउंटेन के ऊपर पहुँच जाते हैं, और वहाँ पर वो लोग बहुत ही मज़े कर रहे होते हैं, और इसकी करते हुए नीचे उतर आते हैं, और उतरने के बाद ये खाना खाने के लिए एक रेस्टोरेंट पे जाते हैं। लेकिन लिंच को मतलब बिल्कुल भी इसकी करने में मज़ा नहीं आ रहा था, क्योंकि पार्कर को इसकी करना नहीं आ रहा था, इसलिए उन्हें रुक रुक के मतलब इसकी करके जाना पड़ रहा था। लेकिन लिंच फिर से मतलब इसकी करना चाहता है, हालांकि पार्कर नहीं जाना चाहती, लेकिन अपने बॉयफ्रेंड के ज़बरदस्ती करने पर वो फिर से मान जाती है, और ये तीनों वहाँ पर जाते हैं लिप अटेंडेंट के पास। लेकिन लिप अटेंडेंट कहता है कि लिप बंद हो चुकी है, क्योंकि हमें खबर मिली है कि तूफान आने वाला है। लेकिन इन तीनों के ज़बरदस्ती करने पर लिप अटेंडेंस फिर से मान जाते हैं, और ये माउंटेन की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। और ये जब जा रहे होते हैं तो लिप अटेंडेंट के पास एक एम्प्लॉय आता है, और वो कहता है कि तुम्हें अगले वीकेंड को भी आना पड़ेगा। वो कहता है कि अगले वीकेंड को मेरे भाई की कॉकटेल पार्टी है, इसलिए मैं नहीं आ सकता, और इसके लिए मैंने एप्लीकेशन भी दे दी है। और वो कहता है कि अगर ऐसी बात है तो तुम्हें बॉस से बात करनी चाहिए, और वो बॉस से बात करने के लिए चला जाता है। अपने साथी को बोलता है कि अभी अभी तीन लोग मतलब माउंटेन के ऊपर जा गए हैं, तो अगर वो जब तक नहीं आ जाते तुम भी बंद मत करना, और वो वहाँ पर खड़ा हो जाता है। और तभी देखता है कि तीन लोग इसकी करते हुए नीचे आ रहे होते हैं, और वो लिप बंद कर देते हैं, और वही लिप में जो लिंच है, और उन्हें लगता है कि पहले जैसा ये लिप फिर से बंद हो जाए, और वो लोग वो तीनों आपस में बात करना शुरू कर देते हैं। और तभी देखता है कि वहाँ पे जितनी भी लाइट होती हैं वो सारे के सारे बंद हो जाते हैं, और उन्हें डर लगना शुरू हो जाता है, क्योंकि आज संडे है, अगर वो उन लोगों को आज लेने के लिए कोई नहीं आया तो अगले फ्राइडे तक यहाँ पर लेने के लिए कोई नहीं आएगा। इसीलिए वहाँ पे वो लोग चिल्लाना शुरू कर देते हैं, और वहाँ पे उनकी आवाज़ सुनने को कोई भी नहीं होता। और तभी नीचे देखते हैं कि एक बर्फ़ हटाने वाली गाड़ी जा रही है, और वो लोग चिल्लाना शुरू कर देते हैं, और वो गाड़ी रुक जाती है। इस बात से उन्हें बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, और वो कहता है कि यहाँ पर हमें अकेला छोड़ के कोई भी जाने वाला नहीं है। और तभी वहाँ पर बर्फीला तूफान भी शुरू हो जाता है। उस गाड़ी के अंदर जो आदमी होता है, दरअसल उसने उनकी आवाज़ सुनी ही नहीं, दरअसल वो को अपने को लीडर को लेने के लिए पहाड़ के ऊपर जा रहा होता है। और तभी उनके उन्हें कॉल आता है कि वहाँ पे कोई भी नहीं है, तुम वापस आ जाओ, और ये अपनी गाड़ी लेके वापस जाना शुरू कर देते हैं, और वो तीनों देख के चिल्लाना शुरू कर देते हैं, और वो अपना सामान भी फेंक देते हैं। लेकिन वहाँ पर इतनी बर्फबारी हो रही होती है कि शीशे के बाहर उन्हें कुछ भी नहीं दिखता ड्राइवर को, और वो अपनी गाड़ी लेके वापस चला जाता है। ये तीनों वहाँ बर्फीले तूफान में फंस जाते हैं, क्योंकि इनको पता है कि अगले फ्राइडे तक यहाँ पे कोई भी नहीं आएगा। और जैसे जैसे रात गहरा होती जाती है वहाँ पे ठंड भी बढ़ती जाती है। अब डैन कहता है कि मुझे यहाँ से कूदना ही होगा, क्योंकि यहाँ पे अगले पाँच दिनों तक कोई भी नहीं आने वाला। हालांकि उसका गर्लफ्रेंड और उसका दोस्त मना करता है, वो कहता है कि हमें सुबह तक इंतज़ार करना होगा, क्योंकि सुबह कोई ना कोई ज़रूर आ जाएगा। डैन कहता है कि ये रिसोर्ट अगले पाँच दिनों तक बंद है, और यहाँ पे अगले पाँच दिनों तक कोई भी नहीं आएगा, और वो कूदने की तैयारी करता है। हालांकि डैन को डर भी लग रहा होता है, लेकिन उनके पास कोई भी ऑप्शन नहीं होता, क्योंकि अगर यहाँ से सारे एम्प्लॉय चले गए तो यहाँ पे उन्हें कई दिनों तक फंसे रहना होगा। और वो पूरी हिम्मत करके वहाँ से कूद जाता है, और वहाँ की बर्फ़ इतनी मजबूत होती है कि डैन के दोनों पैर टूट जाते हैं, और डैन दर्द से चिल्ला रहा होता है। लेकिन लिंच और पार्कर दोनों उसकी हेल्प कर, और लिंच ये डिसाइड करता है जिस तार पे ट्रॉली लटकी हुई है उस तार के सहारे वो पोल तक जाने की कोशिश करेगा।
उससे नीचे उतर के वो अपने दोस्त की मदद करेगा और बड़ी मुश्किल से वो थोड़ा सा आगे जाता है और फिर से वापस आ जाता है। पार्कर कहती है कि तुम वापस क्यों आ गए? वो कहता है कि नीचे मत देखना क्योंकि नीचे भेड़िया आ चुका है। और डैन कहता है कि उसे नीचे मत देखने देना क्योंकि वो जानता है कि वो भेड़िए उसे मार देंगे क्योंकि वो हिल भी नहीं सकता। और वो अपना कैप नीचे कर लेता है और भेड़िए डैन को मार देता है। इस बात से लिंच और पार्कर को बहुत दुख हो रहा होता है और वो बहुत रो रहे होते हैं, लेकिन अब इनका दोस्त डैन इस दुनिया में नहीं रहा होता। पार्कर कहता है कि तुमने उसे रोका क्यों नहीं? और लिंच कहता है कि तुम इसका इल्जाम मुझ पर लगा रही हो, मैंने कहा था कि ये घटिया आइडिया है और उसने मेरी बात नहीं सुनी। तुमने क्यों नहीं रोकी? तुम तो उसकी गर्लफ्रेंड थी ना, तुम उसे एक साल से जानती हो और मैं उसे बचपन से जानता हूँ और अब मैंने अपना दोस्त खो दिया। इसके बाद पार्कर लिंच को सॉरी बोलती है और वो दोनों गले लग के बहुत ज़्यादा रोती है। अब ये दोनों नीचे जाने की कोशिश भी नहीं कर सकते क्योंकि नीचे भेड़िया होता है जिन्होंने अभी अभी इनके दोस्त को मारा हुआ होता है। और इन दोनों को पूरी रात वही करपटी हुई ठंड में रात बितानी पड़ रही होती है और ये दोनों बहुत ज़्यादा बातें भी कर रही होती हैं और ये सो जाते हैं। और जब सुबह होती है तो पार्कर देखती है कि उसके ट्रॉली के आगे जो रोड होती है तो उस पर उसका हाथ होता है। और जब वहाँ से उसकी हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है तो वहाँ पे देखती है कि उसका हाथ पूरी तरह से मतलब जम गया होता है क्योंकि उसके हाथ में ग्लव्स नहीं होती। और वहाँ से जब छुड़ाता है तो उसके स्किन भी छुड़ाती है तो उसका जो हाथ की स्किन होती है वहीं पे चिपक जाती है। और तभी लिंच की आँखें खुल जाती है, वो कहता है पार्कर को कि तुम ठीक तो हो ना? और पार्कर कहती है हाँ मैं ठीक हूँ। वो कहता है कि तुम्हारा चेहरा लाल हो गया है और वो भी कहती है कि तुम्हारा भी चेहरा लाल हो गया है, दरअसल इनकी स्किन ठंड के कारण ख़राब हो रही होती है। लिंच पार्कर को बोलता है कि जब सुबह क्लास में हमें कोई भी नहीं देखेगा तो ज़रूर कोई ना कोई यहाँ पे लेने के लिए हमें ज़रूर आएगा। और पार्कर कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला क्योंकि किसी को भी नहीं पता कि हम यहाँ पे हैं। और फिर लिंच आवाज़ लगाता है लेकिन वहाँ पे दूर दूर तक कोई भी नहीं होता। लिंच पार्कर को बोलता है पीछे जो पोल है अगर मैं वहाँ तक पहुँच गया तो मैं सीढ़ियों से नीचे उतर जाऊँगा। पार्कर लिंच को बोलते हैं तुम वहाँ तक कैसे जाओगे क्योंकि तुम्हारे हाथ में चोट लगी हुई है। दरअसल पिछली बार जब अपने दोस्त को बचाने के लिए ट्रॉली के तार से मतलब जा रहा था तभी उससे चोट लग गई थी। लिंच पार्कर को बोलता है कि अब हम यहाँ पे और एक रात नहीं गुजार सकते क्योंकि यहाँ पे धूप आ चुकी हुई होती है। और पार्कर कहता है कि हमें थोड़ी देर इंतज़ार करना चाहिए, अगर यहाँ पे कोई नहीं आया फिर उसके बाद हम सोचेंगे। और ये दोनों कड़कती हुई धूप में किसी का इंतजार कर रहा हुआ होता है और रात में जितना ठंड हो रहा होता है दिन में उतनी ज़्यादा गर्मी हो रही होती है क्योंकि यहाँ पे बहुत तेज़ धूप हो रही होती है क्योंकि यहाँ पे पूरी रात ये लोग ट्रॉली में बैठे हुए होते हैं। इसीलिए पार्कर को टॉयलेट जाना हो रहा होता है और जब लिंच सो रहा होता है तो उसे मजबूरी में अपने पैंट में टॉयलेट करनी होती है क्योंकि वहाँ से कहीं पर भी वो जा नहीं सकती। अब कुछ टाइम और बीतता है और लिंच ये तय करता है कि वो ट्रॉली के बाहर से दूसरे ट्रॉली तक जाएगा जिसके पास वो पोल है जिससे वो नीचे उतर सकता है। और जैसे ही वो ट्रॉली के बाहर को पकड़ता है तो उसका एक पेज निकल जाता है और ट्रॉली नीचे की तरफ झुक जाती है। और इस बात से पार्कर को डर लग जाती है। वो कहती है कि ट्रॉली गिर जाएगी और लिंच कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तुम यहीं पर रहो। और वो बड़ी मुश्किल से उस बाहर के सहारे दूसरे ट्रॉली तक पहुंचता है जिसके पास वो पोल है जिससे उसे नीचे उतरना है। और तभी नीचे देखते हैं कि वो भेड़िया दोबारा आ चुके हैं और जिसने रात को उसके दोस्त को खा चुका होता। तभी वो अपने दोस्त पार्कर को बोलता है कि मुझे इसकी रॉड दो जिससे मैं अपनी बचाव कर सकूं। और वो इसकी रॉड उसकी तरफ दिखता है और वो पकड़ नहीं पाता और इसकी रॉड नीचे गिर जाती है। अब लिंच को किसी भी हालत में मतलब नीचे उतरना होगा क्योंकि ये दोनों यहाँ पे और एक रात नहीं रुकते क्योंकि अगर रुके तो ये दोनों ठंड से मर जाएंगे। और वो नीचे उतर जाता है और नीचे उतरते उसके ऊपर मतलब भेड़िए हमला कर देते हैं और उसके पास स्केटिंग की रॉड नहीं होती इसलिए वो उनसे फाइट करता है। और लिंच के पास किसी तरह से मतलब स्केटिंग की रॉड आ जाती है और उससे वो भेड़िए को भगा देती हैं। लिंच पार्कर को बोलता है कि तुम नीचे मत उतरना और वो लिंच अपनी स्केटिंग से मतलब नीचे उतरना शुरू कर देते हैं। और तभी देखते हैं कि लिंच के पीछे भेड़िए पड़ जाते हैं और पार्कर जोर से बोलते हैं लिंच, और तभी लिंच मतलब उसके नज़रों से गायब हो जाता है। दरअसल लिंच बर्फ में फिसलता हुआ नीचे पहुँचता है और पार्कर को कुछ भी नहीं पता कि वो पहुँचा कि नहीं, वो मदद ला पाता कि नहीं या फिर वो जिंदा है कि नहीं। बस अब उसके सामने एक वीराना हुआ होता है और कोई भी नहीं होता। और धीरे धीरे शाम हो जाती है और रात भी हो जाती है लेकिन लिंच का कोई पता नहीं और उसे और एक रात मतलब यहीं पे बितानी पड़ती है अकेले।
और आप सुबह हो जाती है और सुबह ये तय करती है कि उसे किसी भी हालत में नीचे उतरना ही होगा, क्योंकि अगर लिंच को आना हुआ होता तो लिंच अब तक आ चुका होता। लेकिन लिंच वापस नहीं आया, इसलिए पाकर नीचे उतरने की कोशिश करती है और वो जब झूले से लटकती है तो झूला टूट जाता है क्योंकि उसका एक पेज पहले से ही निकला हुआ होता, और इसीलिए अब झूला एक पतली सी तार में मतलब अटका हुआ होता है और वो पतली सी तार धीरे धीरे टूट रही होती है। लेकिन पाकर उससे पहले ही नीचे कूद जाती है और जब वो कूद जाती है तो झूला जो होता है उसके पैर पे जाके गिर जाता है, जिससे उसके पैर में बहुत ज़्यादा चोट लगी हुई होती है और वो फिसलता हुआ नीचे की तरफ मतलब जा रही होती है। और वो जब जा रही होती हैं तो वो देखती हैं कि उसके सामने बहुत सारे भेड़िए हैं, लेकिन भेड़िए पाकर को कुछ भी नहीं करती क्योंकि सामने लिंच की बॉडी पड़ी हुई होती है और जानवर तभी शिकार करते हैं जब उन्हें भूख लगी हुई हो। इसके बाद पाकर नीचे फिसलना शुरू हो जाती है और वो किसी तरह से सड़क तक पहुँच जाती है और वहाँ पर पहुँचते वो बेहोश हो जाती है और तभी वहाँ से गाड़ी जारी होती हैं और पाकर को वो देख लेती हैं और इस तरह से पाकर की जान बच जाती है। पाकर ने एक रात में दो लोगों को खो दिया, एक वो जिससे वो शादी करना चाहती थी और एक उसका फ्रेंड, और इसी के साथ एक कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाती। और ये फिल्म 2010 में आई थी। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था एडम ग्रीन ने। इस फिल्म में मुख्य भूमिका जो कर रहे हैं उसका नाम है एनाबेल, सॉन एक्समोर और केविन जीगर।